तो नए साल में तो हर कोई घूमने जाता है, तो हम भी निकल पड़े हैं घूमने के लिए नए साल में। और ये है पंडा काका मेरे साथ जो जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शिव धाम कोडिया, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पे। तो भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम तो अपने नए साल की शुरुआत महादेव के दर्शन से ही कर रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं शिव धाम कोडिया में, और आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में लग चुके थे। उसके बाद हम पहुँच गए हैं महादेव के दरबार में। उसके बाद हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और अंदर में भी लंबी लाइनें थी भाई, वेट करना पड़ता है, भोलेनाथ आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। फिर नंदी महाराज के कानों में सब अपनी विश मांग रहे थे, फिर मैं भी चली गई, क्यों ना मैं भी विश मांगती हूँ नंदी महाराज से, तो मैं विश मांगने चली गई। उसके बाद महादेव का दर्शन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे महादेव दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि महादेव इतनी जल्दी दर्शन नहीं देंगे, थोड़ा सब्र रखो। उसके बाद देखो महादेव दिख गए, दर्शन दे दिए। फिर मैं बेलपत्र नारियल सब चढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं भोलेनाथ का साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि स्वयंभू मंदिर है। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे और भी जगहों पे भगवान जी हैं। फिर हम दर्शन करके नारियल का प्रसाद लेके हम चल पड़े अपने घर की ओर।